ओके तो गाइस ये है टैंगल बीच जो कि श्रीलंका के बिल्कुल साउथ में है और ये कोलंबो से कुछ 190 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और एला से 140 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस पे है। तो हम आए थे एला से, तो ये है कुछ इस तरह से है ये बीच, टैंगल बीच। यहाँ पे वेव्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी बड़ा बीच है ये और लोग ज़्यादा नहीं हैं, पूरा खाली है। तो ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी है आगे। ओके तो हाय गाइस, तो ये है मेरा यहाँ पे होटल जहाँ पे मैंने अभी स्टे किया हुआ है टैंगल में। तो ये है कुछ इस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट, तो काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है बट बहुत सिंपल है। यहाँ पे ही देखिए छोटा सा एक आयुर्वेदिक स्पा सेंटर भी है और ये दो चार टेबल लगे हुए हैं, कुछ डिनर लंच वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए छोटा सा हाउस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 रूम है। तो यहाँ पे मैंने रूम लिया हुआ है और किसी के साथ शेयर किया हुआ है जो $10 में मुझे मिल गया एक रूम, तो ठीक है, सस्ता है यहाँ पर। और टैंगल जो है वो मैंने बताया था आपको, कोलंबो से है 190 किलोमीटर और एला से हम आए थे तो एला से कुछ 140 किलोमीटर था। तो अभी हम बीच गए थे तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो अभी थोड़ा बहुत देखते हैं जाके टैंगल सिटी में, सिटी तो नहीं टाउन है छोटा सा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए। तो थोड़ा बहुत घूमते हैं सिटी में टाउन में और उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में फिर से जाएंगे बीच और थोड़ा बहुत बीच पे आपको फिर से दिखाएंगे क्या कुछ है और उसके बाद फिर कल यहाँ से निकलेंगे कहीं और, कोई एक और एक बीच एरिया, वो शायद डिकवेला है और डिकवेला के पास एक बीच है दैट इज़ हिरिकेटिया बीच और समथिंग लाइक दैट। तो अभी वहाँ पे जाएंगे कल और उसका आके देखते हैं, प्लान करते हैं, होटल का बुकिंग वगैरह करना है तो सारा कुछ करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कि टैंगल जो टाउन है कैसा है और यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या कुछ है, सारा कुछ देखते हैं मार्केट में जाके क्या क्या कुछ मिलता है, सारा कुछ देखेंगे। तो ये है छोटा सा स्ट्रीट जो बीच के बिल्कुल बगल में ही है, तो बीच जो है उस साइड है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मीटर है, तो वहाँ पे बीच है और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे, अभी गए थे हम आफ्टरनून में वहाँ पर, तो काफ़ी एक घंटा तक स्पेंड किया वहाँ पर टाइम, तो बड़ा अच्छा लगा। तो अभी देखते हैं, अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा इवनिंग का टाइम हो रहा है, कुछ 5:30 बज रहे हैं, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं टाउन में, थोड़ा सा घूमेंगे और रात को फिर खाना वाना खा के वापस आएंगे और कल मॉर्निंग में फिर से जाएंगे बीच, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम और स्पेंड करेंगे और अराउंड 10 या 11 बजे तक यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे डिकवेला। तो ठीक है, मिलते हैं अभी व्लॉग में आगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे बीच पे आ रहे थे अभी, तो अभी बारिश जो है अचानक पड़ना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये देखिए छोटा सा है एक, ये देखिए बना हुआ है, तो इसके नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर मिल गया थोड़ा सा जो है यू नो छत टाइप का कहते हैं, तो मिल गया है और यहाँ पे चेयर्स पे अरेंजमेंट हो गए हैं तो अभी यहाँ पे बैठ के हम एंजॉय करेंगे ये वाला व्यू, ये देखिए है ना खूबसूरत, ये देखिए सामने समंदर, काफ़ी ज़्यादा अभी रेस्टलेस है, मतलब कि वेव्स काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि मौसम जो है ख़राब हो चुका है यहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है अभी। अभी जब हम गए थे यहाँ पर आफ्टरनून में 3-4 बजे के करीब करीब, तब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और तब वेव्स भी इतने बड़े बड़े नहीं आ रहे थे, बट अभी काफ़ी बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं और ये देखिए अभी कहाँ तक आ रहे हैं, बहुत आगे तक आ रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे तो वैसे नहीं जाना चाहिए समंदर में, तो ठीक है अभी यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्जॉय करेंगे मौसम और आपको भी दिखाएँगे। अभी वैसे अगर बारिश थोड़ा सा कम हो जाता है तो थोड़ा बहुत अभी चलेंगे यहाँ पर किनारे किनारे और आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाएँगे यहाँ से। तो ये है टैंगल बीच और मैं हूँ बैकपैकर गाइड और मैं ब्लॉग में आगे मिलूँगा आपसे, तो स्टे ट्यून, बाय बाय। वाओ,
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, ये देखिए। और ये पानी देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पे गए थे अभी 3-4 बजे, इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। और एक भी बंदा अभी नहीं दिख रहा आपको पानी में अंदर, क्योंकि अभी जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा जो है खतरों से भरा हो सकता है। ये देखिए सामने, ये देखिए कितने बड़े बड़े वेव्स जा रहे हैं। ये देखिए सामने, ये देखिए, वाह, काफ़ी बड़े बड़े वेव्स हैं, ये देखिए। और बारिश शुरू हो चुकी है, और मेरे कैमरे में अभी जो है वाटरप्रूफ वाला केस नहीं है, तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ और मैं जाऊँगा अभी अपने शेड में जो हमने ढूँढा था। तो चलिए भागते हैं और ब्लॉग आगे कंटिन्यू होगी। और मैं हूँ बैकपैकर गाइड और मैं हूँ अभी टैंगल श्रीलंका में, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे बहुत सारे एडवेंचरस टूर्स के लिए और ब्लॉग्स के लिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम एंड मेरे ट्विटर हैंडल पर ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे। और तो ठीक है, अभी चलते हैं अपने छोटे से शेड में, जहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे बारिश रुकती है तो थोड़ा सा आगे और जाएंगे और खूब सारे मस्ती करेंगे यहाँ से। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी।